मुंबई एयरपोर्ट से करोड़ों का सोना और विदेशी मुद्रा जब्त, तस्करी का तरीका हैरान कर देगा। मुंबई कस्टम विभाग ने एक यात्री से करीब 90,000 अरब अमीराती दिरहम और अन्य यात्री से 90,000 यूएस डॉलर जब्त किए हैं। जब्त की गई विदेशी मुद्रा की कीमत करीब 92 लाख। जब्त की गई विदेशी मुद्रा की कीमत करीब 92 लाख रुपए आंकी गई है। कस्टम विभाग ने मुंबई एयरपोर्ट से करोड़ों रुपए का सोना और विदेशी मुद्रा जब्त की है। खबर के अनुसार 8 और 9 फरवरी 2023 को यह जब्ती हुई है, जिसमें कस्टम विभाग ने एक व्यक्ति से करीब 2.8 किलो सोना जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 1.44 करोड़ रुपए है। कस्टम विभाग ने एक यात्री से करीब 90,000 अरब अमीराती दिरहम और अन्य यात्री से 90,000 यूएस डॉलर जब्त किए हैं। जब्त की गई विदेशी मुद्रा की कीमत करीब 92 लाख रुपए आंकी गई है। यूएस डॉलर की तस्करी कर रहे आरोपी यात्री ने डॉलर एक पैकेट में डालकर उसे अपने बैग में इस तरह से सिल दिया था कि उसे पकड़ना बेहद मुश्किल था, लेकिन कस्टम विभाग ने गजब की चतुराई दिखाते हुए आरोपी को धर दबोचा। इसी तरह दिरहम की तस्करी करने वाले व्यक्ति ने एक डिब्बे में इस तरह से दिरहम को छिपाया हुआ था कि एक बार की तो कस्टम विभाग भी चकमा खा गया, लेकिन गहराई से पड़ताल में आरोपी धरा गया। ऐसे ही एक मामले में कोची एयरपोर्ट से भी गिरफ्तारी हुई है, जहां कस्टम विभाग ने एक यात्री से करीब 805.62 ग्राम सोना बरामद किया गया है। जब्त किए गए सोने की कीमत करीब 40 लाख रुपए है और आरोपी यात्री ने कैप्सूल के रूप में सोने को कंपाउंड फॉर्म में अपने शरीर में छिपाया हुआ था। आरोपी की पहचान केरल के पलक्कड़ निवासी रिशाद के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विदेश से सोने विदेशी मुद्रा की तस्करी का यह मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं।